गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, इट इज योर मैथ पीरियड आईबीटी एक्सरसाइज 7.3। मैं आज आपको 7.3 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सभी भैया बहन वीडियो को ध्यान से देखेंगे और डिवाइड के क्वेश्चन को ठीक प्रकार से समझेंगे, उसके बाद अपनी कॉपी पर करेंगे। तो सभी लोग अपनी अपनी कॉपी निकाल लें। कॉपी में आज की डेट डाल दें 26 अगस्त 2021। क्लास उठा दें एक्सरसाइज 7.3, ये ब्लैक पेन से अपनी कॉपी पर डाल दें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है डिवाइड। अब देखिए ध्यान से, डिवाइड करना है तो 8 का डिवाइड 6 में करेंगे तो 6 छोटा है, इसलिए 8 का डिवाइड 6 में नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे, इसमें एक नंबर और मिला लेंगे। तो 6 और 2 दोनों ले लिए हमने, कितना हो गया, ये 62 हो गया। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे, 62 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 का टेबल पढ़ेंगे, 62 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 बन जाए, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 6 48, 8 7 56, और 1 8 64, ज़्यादा हो गया। तो 7 बन जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा। अब 2 में से 6 माइनस नहीं होगा, इसने सबको दे दिया 12 हो गया। 12 में 6 माइनस किया 6 में 4, 5 में 5 माइनस किया 2 6 में 4। ये आ गया 4 मार दिया हमने, कितना हो गया 64 हो गया। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे 64 में, 64 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 का टेबल 8 8 64, 8 बार में ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 4 में 4 गया 6 गया 6 गया, ये 9 यहाँ पर हमने उतारा। अब 8 का डिवाइड 9 में करेंगे तो 1 बन जा 1 आएगा, 1 बार जाएगा 1 आ गया, 9 में 1 को माइनस किया 1। ठीक, आंसर में क्या लिखा जाएगा, Q = 781 and R = 1। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, को जल्दी से कॉपी पर कर लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 2305 इज डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए ध्यान से, 5 डिवाइजर हो गया 2303, ये आपका डिविडेंड हो गया, ये 2805। ठीक, अब 5 का टेबल 2 में पढ़ेंगे तो छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, 8 ले लेंगे 28 हो जाएगा। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 5 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25, 5 का 5 बार में गया 25 आया, 8 में से 5 को माइनस किया 3 बचा, 2 में से 2 को माइनस किया कुछ नहीं, 0 आ गया। अब 5 का टेबल 30 में पढ़ेंगे, 5 5 का 25 और 5 6 30 बन गया, 6 बार में ये पूरा पूरा चला गया, 30 आया गया, 3 यहाँ पर उतार लिया हमने। अब 5 का टेबल 3 में पढ़ेंगे तो नहीं जाएगा, क्या करेंगे हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो Q बराबर क्या हो गया 560 एंड R बराबर हो गया आपका 3।
अब देखिए 5 से 4765 को यहां पर डिवाइड करते हैं, तो 5 का टेबल हम जब 4 में पढ़ेंगे तो 4 क्या है, छोटा नंबर है, तो 5 का टेबल 4 में नहीं जाएगा। क्या करेंगे, एक नंबर और ले लेंगे, ये 40 हो जाएगा। अब 5 का टेबल हम 40 में पढ़ेंगे तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। एक बार में ये पूरा पूरा चला गया, 40 आ गया, 0 में 0 गया तो चले बचा, 4 में 4 गया तो चले बचा, और ये 7 है। अब हम 5 का टेबल 7 में पढ़ेंगे तो 5 5 5 5 2 जा 10, 10 नंबर जो है वो 7 से ज़्यादा है, इसलिए वन बार केवल डिवाइड करेंगे, 5 5 हो जाएगा ये, और यहाँ पर बचा 2, ये 6 यहाँ पर उतर गया, कितना हो गया 26 हो गया। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे, 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 5 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, ज़्यादा हो गया, 5 5 जा 35, 25 5 5 जा 25 आया। 6 में 5 को माइनस किया 1 आया, 2 में 2 को माइनस किया कुछ नहीं आया, और ये बच गया 5 का। अब 5 का टेबल हम 15 में पढ़ेंगे, 5 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
क्यू बराबर कितना है 8153 एंड आर बराबर 0 0। ठीक, ये तीन क्वेश्चंस आपको मैंने डिवाइड के बताए, इसको आप अच्छे से कॉपी पर कर लें। ठीक, इसके बाद आपको मैं होमवर्क दूंगा, इसको भी आपको कॉपी पर करना होगा, इसको जल्दी से उतार लें। अब देखिए एस डब्ल्यू है आपका, एस डब्ल्यू है 4 नंबर क्वेश्चन 5410 5 1 6 8 7 डिवाइडेड बाय 5 एंड 6 नंबर में है 2984 डिवाइडेड बाय 9। ठीक, ये के बाद है 7 नंबर 2542 डिवाइडेड बाय 5। 8 नंबर है 7819 डिवाइडेड बाय 6 एंड 9 नंबर क्वेश्चन है 3055 डिवाइडेड बाय 6। ठीक, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक, वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि डिवाइड के क्वेश्चन कैसे किए जा रहे हैं और हमें कैसे करना है। ठीक, तो होमवर्क और क्लास में आप अंडर राइटिंग करेंगे, उसके बाद आप